हम यही माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि हमें 60 साल के लिए स्थायी करें, हमें उसी में रह के दक्षता हमसे ले लें। अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, बीपीएससी वाले आ रहे हैं हम लोग के पास, ऐसा नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ ऐसा काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा टीचर का सम्मान किया है, तो ऐसा नहीं लगता हम लग रहा है कि हम लोगों को इस पोस्ट में मीडिया दर्शन। अभी मैं जेडीयू कार्यालय के बाहर हूँ, जहाँ देख सकते हैं कि तमाम अतिथि शिक्षक जो प्लस टू में अभी तक कार्यरत हैं, 6 वर्षों से कार्यरत हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं और अब ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि हमारी सीट जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। इन तमाम मुद्दों को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मामला है जिसके लेकर? मामला हम लोग का ये है कि हम लोग 2018 से कार्यरत हैं प्लस टू विद्यालय में, सारा कार्य करते हैं सरकार का, चाहे ड्यूटी हो लोकसभा का, चाहे विधानसभा का, कोई भी ऐसा कार्य, चाहे मूल्यांकन का कार्य हो। यहाँ तक कि एक दौर था कि 2018 का रिजल्ट आप देख लीजिए कैसा रिजल्ट आ रहा था, और अब का रिजल्ट देख लीजिए, प्लस टू का लैब का ताला नहीं खुलता था, ताला खोलने वाले हम हैं, विद्यालयों को यहाँ तक सिंचित करके लाए हैं हम लोग। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है, इसके बाद हम लोग का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा, और हम लोग 6 सालों से कार्य कर रहे हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 1 रुपया हम लोग का वेतन में वृद्धि नहीं हुआ है, यहाँ तक कि नियोजित शिक्षकों का 5-5 बार दक्षता परीक्षा हो चुका है, फिर भी वो पास नहीं हुए हैं, और हम लोग एक भी हम लोग का दक्षता परीक्षा नहीं लिया गया है। हमारी नीतीश कुमार से यही मांग है कि हमें अतिथि शिक्षक शब्द से हटा, अतिथि शब्द हटा दिया जाए, और हमें जो पूर्ण जो शिक्षक होता है वो दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम सारे एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी एनसीटी का गाइडलाइन होता है वो सारा फुलफिल करते हैं हम लोग। अगर सरकार ये कह दे कि फिर से आप लोग को पात्रता परीक्षा देने होंगे तो फिर क्या? हम लोग तैयार हैं, हम लोग तो तैयार ही हैं, लेकिन हम लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों का एज लैप्स हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? 40 पार कर गए हैं बहुत सारे लोग। समस्या हमारे पास ये है, भुखमरी की स्थिति आ गई है, किसी महीना 8,000, किसी महीना 10,000, किसी महीना 12,000, यहाँ तक कि हमें 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए विद्यालय में नहीं आने दिया जाता है, झंडा नहीं फहराते हैं। सोचिए हम ऐसे देश में रहते हैं कि हमें 15 अगस्त को नहीं आना है, 26 जनवरी को नहीं आना है, क्योंकि उस दिन आएंगे तो हमारी हाजिरी ही नहीं बनेगी। किसी जयंती के दिन हम कोई जयंती नहीं मना सकते हैं, इतना भेदभाव हमारे साथ हो रहा है। सिर्फ पढ़ाने के लिए 9:30 से 4 हम विद्यालय में रहते हैं, सारा कार्य करते हैं, हर एक्टिविटी में, हर कारिकुलम में पार्टिसिपेट होते हैं, बस पैसा हमें नहीं मिलता है, और हमारा बहुत ही सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। हम मुख्यमंत्री से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी बात एक बार सुना जाए। क्या मांग है जिसके लेकर? हमारी मांग है कि हम लोग को कम 60 साल की निमित किया जाए। हम लोग आज हम यहाँ पर आए हुए, अपने मेरे परिवार के तबीयत खराब होने के बाद भी आज हम आए हैं, अपनी मांगों सिर्फ शांतिपूर्वक हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कर जोड़ के हम विनती कर रहे हैं कि हमारी सेवा को नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोग प्लस टू अतिथि शिक्षक पिछले 6 साल से 4,053 अतिथि शिक्षक कार्यरत है। इनमें बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई, 2019 में बी स्टेट हुए थे, उसमें भी वो सम्मिलित नहीं हो पाए, तो वो कहाँ जाएंगे? आज 2 नवंबर को जब बीपीएससी से प्राप्त जो शिक्षक मिल जाएंगे इनको, तो हमारी सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो क्या अगर बिहार सरकार पात्रता परीक्षा लेगी तो क्या आप उसमें शामिल होइएगा? हाँ, हम सम्मिलित होंगे, हमें किसी तरह से हमें नियमित किया जाए, हमें भी स्थान दिया जाए, इस समाज में हम लोग पूर्ण रूप से जी सके, एक समाज में हम लोग रह सके। कम से कम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से हमें कर जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी सेवा को नियमित की जाए। जब आप लोग को नियुक्त किया गया था उस समय नोटिफिकेशन में मेंशन तो जरूर किया गया होगा कि आपका कार्यकाल का कोई निश्चित तय सीमा नहीं? कोई निश्चित नहीं है, जब तक नहीं आएंगे नियमित शिक्षक तब तक हमारी सेवा ले। आज पिछले 2018 से आज 2023 हो गई है, आज हम लोग 6 साल होने जा रहे हैं, फिर भी हम लोग करें अतिथि तो कुछ दिन के लिए होते हैं सर, क्या ये 6 साल और 6 साल बाद जो चले जाए कहाँ जाएंगे? हमारी महिला शिक्षिका है वो लोग कहाँ जाएगी, जिसको ना कोई लीव स्पेशल अवकाश विशेषावकाश मिल सकता है, ना कुछ मिल सकता है, क्या ना उनकी तबीयत खराब हो सकती है, ऐसी कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। चलिए, तो और भी महिला शिक्षक हैं उन लोग से भी जानकारी लेते हैं। आप लोग अतिथि शिक्षक हैं, आप लोग का कहा जा रहा है कि अब आप लोग का स्वतः समाप्त होने को है जो कार्यकाल था, क्या कहेंगे? हम यही माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि हमें 60 साल के लिए स्थायी करें, हमें उसी में रह के दक्षता हमसे ले लें। अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाएंगे, बीपीएससी वाले आ रहे हैं हम लोग के बारे में सर मुख्यमंत्री साहब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पिछली बार 6ठे चरण की बारी जब हुई थी तो हमारे जो स्वर्गीय जो केदार जी थे सर, उन्होंने कहा था कि मतलब इनके सीट को रिक्त न दिखाया जाए, लेकिन इसमें रिक्त दिखाया जा रहा है और वो लोग हमारे जगह आ जाएंगे, तो सर हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, आपने पहले नियोजन वाले को भी दक्षता लेकर रखा हुआ है,
फिर जो नहीं ट्रेंड थे उनको आपने 4.5 लोगों को ट्रेंड कर किया हुआ है। हम तो ट्रेंड भी हैं, हम लोग बाकायदे मेधा सूची से आए हुए हैं, रोस्टर से आए हुए हैं। हम लोग को विभाग में 60 साल रखते हुए हम लोग की दक्षता ले लें और हमने 60 साल करें। एक अवधि आपने दे दिया विद्यालय में और अब हाँ अब हटाया जाए तो बताइए कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना है कि हम लोग का भी ख्याल रखें, हम लोग को भी 60 साल रखें और हमारे सीट को रिक्त न दिखाएं, हमें 60 साल हमें हमारा सम्मान दें। अगर मान लीजिए कि रिक्त दिखाया जाता है और आप लोग को स्वतः पद से हटाया जाता है तो फिर आप लोग क्या कीजिए? ऐसा तो हमको नहीं विश्वास है कि मतलब मुख्यमंत्री जी हम लोग की बातें नहीं सुनेंगे। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो हमारी बातें सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को हटाया नहीं है। जो अनट्रेंड था उसको उन्होंने ट्रेंड कराया हुआ है। जो केवल ऐसे हम लोग की तरह थे डिग्री वाले, उनको वो क्या कहते हैं दक्षता लेके उन्होंने रखा हुआ, आज तक उन्होंने शिक्षकों को कभी हटाया नहीं है, सम्मान की दृष्टि से ही देखा है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर वो हटाएंगे, बस हमारी बातें उन तक पहुँच जाएँ। हम मैंने जैसे हम लग रहा है जैसे वो हम लोग को भूल गए हैं बहाल करके, हम लोग को हमें 60 साल कर दें। हमारी 6 साल से आप लोग सेवा दे रहे थे, अब स्वतः आप लोग को हटाने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ ऐसा काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा टीचर का सम्मान किया है। तो ऐसा नहीं लगता, हम लग रहा है कि हम लोगों को इस पोस्ट को वो भूल चुके हैं और वो बस हम लोग उनको याद दिलाना चाहते कि सर हम लोग भी आप ही के द्वारा बहाल किए गए हैं। और जहाँ तक जो पोस्ट हम लोग का है ये भी नीतीश कुमार जी का ही देन है, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ बहुत सारे काम है, स्वाभाविक है, लेकिन बस हम लोग का वो 60 साल कर दे और हम लोग का भी सीट जो वैकेंट है उसको वैकेंट ना शो करे और 60 साल कर दे। और ये विश्वास है कि उन्होंने आज तक किसी शिक्षक को हटाया नहीं, हम लोग को भी हटाएंगे, हम लोग के साथ भी सम्मान करेंगे। आप लोग अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य भी करते थे, उसके बावजूद आप लोग किसी पर्व त्यौहार में आप लोग नहीं जाते थे, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, आप लोग पहुंच नहीं पाते थे, विद्यालय नहीं बुलाया जाता था, क्या कहेंगे? यही तो आश्चर्य लगता है कि जिस समय हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम लोग का ये राइट बनता है कि स्वतंत्रता दिवस हो गया 26 जनवरी हो गया, ये सब हम लोग का राइट बनता है कि फ्लैग वास्टिंग में हम लोग पार्टिसिपेट करें। हम लोग को उन्होंने ऐसा कहा कि शिक्षण कार्य पर ही हम लोग को वेतन मिलेगा, तो वेतन जहाँ तक कि ऑफिस में भी जाके बोलते कि सर हम लोग का वेतन नहीं आता है, तो डीओ डीपीओ साहब कहते हैं आप लोग वेतन क्यों बोलते हैं, आप लोग बोलिए कि आप लोग का जैसे जस्ट लाइक समझिए मजदूर को जो वेतन ये दैनिक मिलता है तो आप लोग का पारिश्रमिक कहिए, वेतन मत कहिए, पारिश्रमिक कहिए सर। तो जब हम लोग वेतन भी नहीं बोल सकते तो हम लोग को शिक्षक भी नहीं कहलाने का हक है? जब आपने इतना बड़ा ओहदा दिया तो मैं नीतीश जी से आग्रह करती हूँ कि वो हम लोग को सम्मान करें, बस यही मैं आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ। अगर पात्रता परीक्षा होगी तो क्या आप लोग तैयार हैं उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रेडी, बिल्कुल सर। ये देख सकते हैं तमाम जो है अतिथि शिक्षक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जेडीयू कार्यालय के बाहर, और इनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार सरकार जो है हम लोगों को नियमित करे, क्योंकि लगातार 6 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे थे और अब स्थिति ये आ रही है कि हम लोगों को हटाने का कवायद लगा हुआ है, जो भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लगातार हम लोग बच्चों को शिक्षित करते आए हैं और अब 6 वर्षों के बाद हम लोग का जब आयु समाप्त हो गई तब हम लोग कहाँ जाएँ। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन, धन्यवाद।